दादी माँ की बहुत ही आसान बेस्ट 35 किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे, जरूर सुने। नंबर 1, हमेशा जवान और स्वस्थ रहने के लिए मखाने का पाउडर बनाकर 1 गिलास दूध में रोजाना 1 चम्मच मिलाकर पिए। नंबर 2, सुबह के समय बिना ब्रश किए 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए, यह सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर 3, दिन में एक बार सादा पानी की जगह चावल के पानी से चेहरा धोना चाहिए, इससे आपके चेहरे का रंग साफ होने लगेगा और चेहरे के दाग धब्बे दूर होने लगेंगे। नंबर 4, यदि आपके दांतों में दर्द है तो लौंग को चूसने से दांत दर्द में काफी आराम मिलता है। नंबर 5, पानी पीने के बाद पेशाब करने से किडनी साफ हो जाती है। नंबर 6, यदि आप पलकों को घना और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो नारियल तेल या जैतून के तेल से धीरे धीरे मालिश करें और सुबह उठकर धो लें, इससे आपकी पलकें घनी और खूबसूरत होने लगेंगी। नंबर 7, आलू का टुकड़ा आंखों पर रगड़ने से काले घेरे की समस्या से निजात मिलती है और आलू का रस भी आंखों के चारों तरफ लगाने से काफी आराम मिलता है। नंबर 8, जिन लोगों के सर पर बाल कम हैं वह सोने से पहले चने की दाल का पानी अपने सर पर लगाएं, इससे धीरे धीरे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। नंबर 9, चीकू खाने से कैंसर का खतरा कम होता है। नंबर 10, तरबूज खाना गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे आप डिहाइड्रेशन की समस्या से बच सकते हैं। नंबर 11, गुड़ का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। नंबर 12, रात में खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना जरूर चाहिए, इससे खाना भी जल्दी हजम होता है और आप मोटापे जैसी परेशानी से भी बच सकते हैं। नंबर 13, सभी महिला पुरुष को 30 से 40 की उम्र होने के बाद स्वास्थ्य के प्रति सदा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से करें, नाश्ता कभी ना छोड़ें। जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 14, सुबह शाम ताली बजाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। नंबर 15, मूली का रस पीने से पित्त की पथरी बनना बंद हो जाती है। नंबर 16, रोजाना अदरक का टुकड़ा चबा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 17, नीम की पत्तियां चबाने से खून साफ होता है। नंबर 18, बची हुई रोटी सुबह दूध के साथ खाने से दुबलापन दूर होता है। नंबर 19, प्लास्टिक और एल्युमिनियम दोनों को रसोई घर में कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि यह कैंसर का कारण बन सकता है। नंबर 20, अगर बार बार उल्टियां हो रही हैं तो बर्फ चूस लें, इससे उल्टी आना बंद हो जाती है। नंबर 21, यदि आपको गैस की समस्या ज्यादा रहती है तो पुदीने का सेवन ज्यादा किया करें। नंबर 22, पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों को उल्टी आना रुक जाती है। नंबर 23, बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या दूर होती है और दांत मजबूत होते हैं। नंबर 24, यदि आप बदहजमी और मोटापे जैसी समस्या से बचना चाहते हैं तो खाने को 32 बार चबाकर खाना शुरू कर दें। नंबर 25, कलौंजी का पानी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 26, रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर दही से मसाज जरूर करें, इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे और चेहरे पर ग्लो आने लगेगा। नंबर 27, यदि आप वजन कम कर रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार हल्का गुनगुना पानी जरूर पिएं, इससे वजन तो कम होगा ही साथ ही फेफड़े भी ठीक रहेंगे। नंबर 28, रात को मेथी को भिगो दें और सुबह दूध के साथ इसका पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें, इससे स्किन टाइट होगी और चेहरा चमकदार होगा। नंबर 29, रात को सोते समय बादाम के तेल से चेहरे पर मालिश करने से चेहरा चमकदार बनता है और दाग धब्बों से बचा रहता है। नंबर 30, देसी घी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर में ताकत आती है। नंबर 31, रोजाना नहाने से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 32,
आम को हमेशा ठंडा करके ही खाएं। ठंडा किए बगैर खाने से शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं, साथ ही आंखों की समस्या भी होने लगती है। नंबर 33, सोने से पहले बालों में कंघी करके सोए, इससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 34, यदि मिर्ची के डब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दे तो इससे मिर्ची अधिक समय तक खराब नहीं होती है। नंबर 35, चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती में थोड़ा सा विम बार मिलाकर क्रॉकरी साफ करें, इससे उनमें चमक आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।